Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. जेनेसिस फ्रेमवर्क आप लोग थीम में इंस्टॉल करोगे, दैट इज नॉट अ प्लगइन, ठीक है। जेनेसिस एक थीम है, फ्रेमवर्क एक थीम है, वर्डप्रेस की थीम में जाके उसको ऐड करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल होगा देन उससे आगे आप चलोगे, सही है जी। कर ही देता हूँ यार आप लोगों को थीम्स, ये जो हमने नया किया है वो वाला है। इसमें थीम्स में गया मैं, थीम्स में जाके ऐड न्यू किया, ऐड न्यू में जाके अपलोड थीम पे क्लिक किया, अपलोड में जाके चूज फाइल, चूज फाइल में कहाँ पड़ी हैं, ई आई एम डेटा थीम्स जेनेसिस, इसमें ये फ्रेमवर्क है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये अपलोड होगा अभी और आपको शो हो जाएगा। जी जी, एज आई सेड आई हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो हम लोग परचेस करते हैं तो वो लिस्ट में आ जाती हैं सारी। तो ये मैं जस्ट आपको डाल के दे रहा हूँ, उसमें थीम्स में एडिट हो गई, ठीक है जी। इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोड फाइल जेनेसिस, ये, और उसके बाद उसने बोला थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, मैं कहता हूँ एक्टिवेट। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर जेनेसिस फ्रेमवर्क लग गया। क्लियर हो गया जी, अब कैसे करना है? क्यों जी, किसी को इशू आ रहा था यहाँ पे? ओके फाइन, तो जेनेसिस थीम के अंदर उस थीम, जी मैं अभी वो भी करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ। ऐड न्यू, फ्रेमवर्क हो गया, अपलोड, अपलोड के बाद आपने चूज फाइल करनी है, और कोई भी थीम, जैसे मेरी साइड पे एस्पायर प्रो लगा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इंस्टॉल, ये चाइल्ड थीम आपका, फिर उसके ऊपर इंस्टॉल होगा। अभी आपकी साइड कैसी दिख रही है, वो ऐसी है। अभी ये जेनेसिस लग चुका है इस पे, ठीक है, ये जेनेसिस की कस्टम लुक है, वो इस तरह का दिखता है। अब मैं इस पे एस्पायर प्रो इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, 40% 42% हो चुका है। देखें ये रजिस्टर्ड है तो उसकी अपडेट बता रहा है कि इसका अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है, तो आप इसको जस्ट अपडेट नाउ करोगे तो वो लेटेस्ट हो जाएगा। इसी तरह एस्पायर प्रो का भी हो रहा है, ये भी अपलोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलवेज वेलकम, नो इश्यूज, जो मैं कर सकता हूँ मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कैसे करना है। जी मियां रिजवान, एक बार ही पेड करना पड़ता है, लाइफ टाइम अपडेट्स होती हैं उसके। नल्ड वाला ना यूज करें, उसमें लोगों ने अपनी कोडिंग छोड़ी होती है और आपकी साइट पे वो लिंक्स वगैरह लगा देते हैं हिडन एंकर के साथ, आपको नहीं पता चलता और वो सही नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है जी कि एस्पायर प्रो थीम हमने अपलोड कर दी है, इंस्टॉल कर दी, थीम रिक्वायर पेरेंट थीम, पेरेंट थीम हमें चाहिए कहते हैं इस थीम के लिए जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और पेरेंट थीम कौन सी थी, जेनेसिस 2.2.7, जो करंटली इंस्टॉल्ड है, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके जी, ये था जेनेसिस, ये इस पे एस्पायर प्रो लग गया जो मेरे imansoor.com पे भी यूज हो रहा है। इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ साइट को, तो अब ये इसके ऊपर एस्पायर प्रो लग चुका है, कॉपीराइट 2016, एस्पायर प्रो जेनेसिस फ्रेमवर्क वर्डप्रेस। ये हर चीज फ्रेंडली है, ये जो अभी जेनेसिस हो गया ये एंड्रॉयड के लिए भी ऑप्टिमाइज हो गई, ये टैब के लिए भी हो गई,
ये अक्रॉस द प्लेटफॉर्म आप कहीं पर भी इसको ओपन करोगे तो ये साइट ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इन थीम्स का ये फायदा होता है। तो बाकी एस्पायर प्रो थीम कैसा है, वो बहुत अच्छा थीम है। यहाँ पर जब उसकी आप सेटिंग वगैरह करेंगे, जैसे imansoor.com पे उसकी सेटिंग हो चुकी है तो आपको उसका पता चलेगा। अपडेट्स में आएंगे और सिंपली आपने ये कह रहे हैं आपने ये वाला वर्जन इंस्टॉल किया, ये अपडेट अवेलेबल है, तो हमने वो कर देंगे। ठीक है, जी बेशम, बिगेस्ट काफी बिगेस्ट साइट्स जेनेसिस यूज करती हैं। जेनेसिस आम यूजर इसलिए यूज नहीं करता कि थीम प्लस फ्रेमवर्क आपको कोई $150 में पड़ जाता है। ठीक है, $100 से ऊपर चला जाता है तो एक नए बंदे के लिए यूज करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे उसमें इशू नहीं है। आप जस्ट मुझे बता दीजिएगा आपको कौन सी थीम चाहिए, तो जेनेसिस फ्रेमवर्क तो मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और जिसको जो थीम चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, जिसको यही थीम चाहिए ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप एस्पायर प्रो देखेंगे उस पे गूगल के अंदर, अगर एस्पायर प्रो जेनेसिस, तो ये बहुत अच्छा थीम है एस्पायर प्रो। ये नीचे था डेमो, सॉरी। अभी यस, इसका एक बहुत अच्छा थीम है, दैट इज जेसिका। अबे यार, रेप्लिका, ये मेरी एक साइट है replicabazaar.com.pk, इसके ऊपर भी जेनेसिस यूज हो रहा है। आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाओ, जेनेसिस में ये भी चीज है, मतलब इसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड, एवरीथिंग। तो ये एक ई कॉम स्टोर है और ये आपके सामने है, इसमें शिपिंग है, इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आगे ब्रांड कैटेगरीज आ जाती हैं, और फिर नीचे अगर आप आते हैं तो कोई सेल डिस्काउंट डील्स, और फिर आगे प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइसिंग एंड ऑल दैट, और उसमें फैशन ब्लॉग। ठीक है, इसको हमने सही से कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन ये सेल्स वगैरह इस पर हो रही हैं, होलसेल डीलर्स हैं। अगर आप यहाँ पर किसी एक डिज़ाइन पे जाओगे, ठीक है, तो ये उसका सिंगल पेज है, प्रोडक्ट का पेज। ये टोटली जेनेसिस है, दैट द थीम नेम इज जेसिका। ओके, तो यहाँ पे ये देखें, टोटली ई कॉम है, वू कॉमर्स के साथ आप इससे वो बाय एड टू कार्ट वो सब कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फोटोज हैं, और ये प्रोडक्ट का मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे आप वो मतलब डिटेल्स वगैरह प्रोडक्ट की आ सकती हैं। तो जेनेसिस एक फुल सॉल्यूशन है एवरी बिजनेस के लिए, और हर बंदा उसको यूज कर सकता है। आपको ये थीम चाहिए होगा तो आई थिंक कहीं पड़ा होगा मेरे पास, थोड़ा देखना पड़ेगा, तो ये भी बाय किया था मैंने। तो जी, यहाँ तक जी क्लियर है आज का हमारा सेशन ये। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।